यूपी के गाजियाबाद में डासना स्थित शिव शक्ति धाम के पुजारी नरसिंहानंद मुश्किल में घिरते हुए नजर आ रहे हैं। इन दिनों नरसिंहानंद का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें वे महिलाओं को लेकर अभद्र भाषा का इस्तेमाल करते सुनाई दे रही हैं। पुजारी के इस वीडियो को लेकर सशक्त पीली सेना ने मोर्चा खोल दिया है। नरसिंहानंद द्वारा महिलाओं के लिए अभद्र भाषा के वायरल वीडियो को लेकर सशक्त पीली सेना की अध्यक्ष महिला कार्यकर्ताओं के साथ स्पीड कलर लैब पर एकत्रित हुई और मार्च करते हुए हरि पर्वत थाना पहुंची। थाने के बाहर पहले उन्होंने प्रदर्शन किया, नरसिंहानंद के पोस्टरों को चप्पलों से पीटा और फिर हरि पर्वत पर उनके खिलाफ तहरीर दी। तो वही वायरल हुई वीडियो में नरसिंहानंद द्वारा राजनीति में जो महिलाएं हैं उनके लिए अभद्र टिप्पणी की है, जिसे बयां नहीं किया जा सकता है। इतनी गलत सोच किसी साधु की ही हो सकती है, इस बात को मानना थोड़ा मुश्किल है। इसलिए महिलाओं ने नरसिंहानंद के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। गौरतलब है कि इस वीडियो के वायरल होने के बाद डासना मंदिर के महंत नरसिंहानंद सरस्वती के खिलाफ गाजियाबाद में 3 मुकदमे दर्ज हुए हैं। नरसिंहानंद के खिलाफ मसूरी थाने में भी मामला दर्ज किया गया है। मामले दर्ज होने के बाद नरसिंहानंद ने सफाई दी है। पहली बात तो उसे महाराज ही मत कहिए, वो दरिंदा है यति, जिसको जिसने शैतान का भगवान रहते शैतान छुपा हुआ है, जिसकी सोच इतनी गंदी है, उसने एक ही नहीं समस्त नारी जाति की असमत पर ही उठाई है। उसने अपनी माँ की कोख को गंदा किया है, उस माँ को शर्मिंदा किया है जिस कोख से उसने जन्म लिया है। हम उसके जन्म पर कूदते हैं। अगर स्वामियों के ड्रेस में ऐसे लोग हैं तो उनकी सजा सिर्फ जेल या पागलखाना होना चाहिए। जाने कितनी अनगिनत ऐसी महिलाएं जिन्होंने अपना देश विदेश में लोहा मनवाया है, हमारी आयरन लेडी इंदिरा गांधी, प्रतिभा पाटिल प्रथम राष्ट्रपति, चाहे वो बीजेपी की अगर बात करें तो 9 मंत्री हैं उसमें, आज स्मृति ईरानी जी की बात करें, मीरा कुमार जी की बात करें, उत्तराखंड की गवर्नर बेबी रानी मौर्य जी की बात करें, आनंदी बहन पटेल की बात करें, प्रियंका गांधी जी की बात करें, राबड़ी देवी जी की बात करें, मायावती जी की बात करें, अनगिनत ऐसी, वसुंधरा राजे जी की बात करें, महमूदा मुफ्ती शरीफ की बात करें, अनगिनत ऐसी महिलाएं हैं, डिंपल यादव की बात करें, कि जिन्होंने लोगों से अपना लोहा मनवाया, उनकी लोग उनके साथ चलना, उनके साथ काम करना, अपने आप को गौरवित महिलाएं महसूस करती हैं। आज आपने सारी महिला शक्ति को शर्मसार कर दिया। तुम्हारी इतनी घटिया सोच है, ऐसे दरिंदों की जगह सिर्फ जेल में होनी चाहिए या पागलखाने। हमने आज FIR यहाँ दर्ज कराई है हरि पर्वत थाने में, और कल कांग्रेस के नाते में समस्त अध्यक्षों ने पूरे उत्तर प्रदेश में नहीं ऑल ओवर इंडिया में FIR दर्ज कराई गई है। अगर बीजेपी की, मैं समस्त महिला मंडल से कहती हूँ कि आज जातियों की लड़ाई नहीं है, आज पार्टियों की लड़ाई नहीं है, आज लड़ाई हमारे अस्तित्व की है। हम सब पे उंगली उठाई है, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे समाजवादी हो या कांग्रेस हो, उसको सजा मिलनी चाहिए। हम सबको एक होना चाहिए और उन बीजेपी नेत्रियों से मैं अपील करती हूँ कि अब उन्हें आगे आना पड़ेगा और